Guys, welcome back to Ambition Nursing Classes. So, in this class, we are going to discuss about bleeding and pregnancy. So, pregnant female is complained about the bleeding per vagina. Okay, so it may be in the first or second trimester, or it may be in the third trimester. Agar female bleeding per vagina ki complaint kar rahi hai in first and second trimester mein, so it may be abortion ho sakta hai. एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकता है या फिर एक हाइडेंटिफॉर्म मॉल हो सकता है. ओके, अगर फीमेल कंप्लेन करिए ब्लीडिंग पर वेजाइना का इन थर्ड ट्राइमेस्टर या फिर आफ्टर 28 वीक, तो वो क्या हो सकता है? एंटीपार्टम हेमरेज. ओके, एंटीपार्टम हेमरेज में हमारे क्या क्या आता है? अब्रप्शियो प्लेसेंटा आता है, देन प्लेसेंटा प्रीविया आता है. ठीक है, तो ये सब किस में आएगा? हमारा एपीएच में. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ये अबॉर्शन, एक्टॉपिक एंड हाइडेंटिफॉर्म मोल. ओके, सो अगर हमें पता चल गया कि ब्लीडिंग जो है वो फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखेंगे? हाइट ऑफ यूट्रस देखेंगे. ओके, हाइट ऑफ यूट्रस को कंपेयर करेंगे एज पर गेस्टेशनल एज. इफ हाइट जो है वो इक्वल है और लेस देन गेस्टेशनल एज है, तो वो क्या हो सकता है? इधर अबॉर्शन हो सकता है या फिर एक्टॉपिक हो सकता है. अगर हाइट ऑफ यूट्रस इज मोर देन गेस्टेशनल एज, तो वो क्या होता है? मोलर प्रेगनेंसी. मोलर प्रेगनेंसी क्यों? क्योंकि जो उसमें मोल है वो बढ़ता है, ट्रोफोब्लास्ट इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हाइट जो है ज़्यादा होती है एज पर गेस्टेशनल एज से ज़्यादा होगी. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे डैट इज अबॉर्शन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अबॉर्शन? एनी प्रेगनेंसी लॉस, ओके, लेस देन 20 वीक्स और डेथ ऑफ द फीटस इफ वेट लेस देन 500 ग्राम, एज पर WHO इज कॉल्ड अबॉर्शन. अबॉर्शन क्या होता है? या तो डेथ ऑफ फीटस की 500 ग्राम वेट से कम, या फिर बिफोर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अबॉर्शन. ये मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? आइदर मेटर्नल कॉज हो हमारा, या फिर फीटल कॉजेज की वजह से हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल कॉजेज की वजह से. ओके, सो मोस्ट कॉमनली क्या होता है? क्रोमोजोमल एनोमली इन फीटस, जर्म प्लाज्म डिफेक्ट, या फिर डिफेक्ट इन क्रोमोजोम एनिप्लॉयडी. ओके, सो दीज आर द फीटल कॉजेज. एंड इन मेटर्नल कॉजेज में बी यूट्राइन फाइब्रॉइड, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, थायराइड एबनॉर्मेलिटीज एक्सेट्रा. देन इन एनवायरमेंटल और इन द मेटर्नल दीज कैन बी सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहल कंजप्शन एक्सेट्रा. सो नेक्स्ट है टाइप्स, और टाइप्स में हम इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम सारा पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इज द थ्रेटेंड अबॉर्शन. थ्रेटेंड नाम से ही है कि जो थ्रेट है अभी, ठीक है, अभी प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है. सो थ्रेटेंड मींस इट इज़ अ टाइप ऑफ अबॉर्शन फ्रॉम वेयर द प्रोसेस कैन बी रिवर्स. ठीक है, प्रोसेस रिवर्स हो सकती है. और इसके सिम्टम्स क्या है? पेन, एमिनोरिया. एमिनोरिया क्योंकि प्रेगनेंसी ऑलरेडी हुआ है, ठीक है. देन ब्लीडिंग हो सकते हैं, बट देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, क्योंकि अभी अबॉर्शन कम्प्लीट हुआ नहीं है. डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड थ्रेटन. तो थ्रेटन में कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आएगा. इसमें क्या होगा? पर एब्डोमेन अगर हम देखेंगे तो हाइट ऑफ यूटरस जो है वो इक्वल होएगी गेस्टेशनल एज के, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आया. ओके, देन इंटरनल ऑस क्या होगी? क्लोज होगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर तो आया नहीं है, तो इंटरनल लॉस क्लोज होगी. अगर हम उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? लाइव फीटस दिखेगा. ओके, देन मैनेजमेंट क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे प्रेगनेंसी, रेस्ट बोलेंगे, और टैब डायजेपम 5 mg BD एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर. ओके, आई होप थ्रेटेंड अबॉर्शन इज क्लियर. थ्रेटेंड अबॉर्शन वो अबॉर्शन है जहाँ से प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, इट कैन बी रिवर्स. ठीक है, मतलब थ्रेटेंड अबॉर्शन का जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू हम कर सकते हैं इफ मैनेज टाइमली. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा इनएविटेबल अबॉर्शन. इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या होगा? व्हेन अबॉर्शन रीचेज अ स्टेज फ्रॉम वेयर इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ओके, इट इज़ अपोजिट ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन. सो इनएविटेबल मतलब विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? पेन, एमिनोरिया, नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट. इसमें भी इन दोनों में थ्रेटेंड प्लस इनएविटेबल, इसमें कोई हिस्ट्री नहीं होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट ऑफ द वजाइना. ओके, इफ वी डू द पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन इन इनएविटेबल, जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो इक्वल होगा पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. इन इंटरनल लॉस क्या होगा?
इंटरनल ओपन होगा. ओके, देन इन यूएसजी में हमें क्या दिखेगा, डेड फिटस दिखेगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेटन्ड एंड द इनएविटेबल. थ्रेटन्ड में क्या होगा, बेबी लाइव होगा. इनएविटेबल में होगा डेड फिटस. दैट्स व्हाई कि जो अबॉर्शन का प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं हो सकता इसमें. ठीक है, सो व्हाट इज द मैनेजमेंट इफ द प्रेगनेंसी इज लेस देन 12 वीक्स. तो हम उसमें क्या करेंगे, सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे. इफ इट इज मोर देन 12 वीक्स तो एक्सपर्जन करेंगे बाय ऑक्सीटोसिन. बिकॉज जो फीटस है वो ऑलरेडी डेड है ना, तो फिर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते प्रेगनेंसी को. या तो हमें सक्शन एंड इवैक्यूएशन करना पड़ेगा या फिर हमें उसे टर्मिनेट एक्सपर्जन करना पड़ेगा बाय ऑक्सीटोसिन. ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट अबॉर्शन. नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास मिस्ड अबॉर्शन. मिस्ड अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन पेशेंट इज अनअवेयर दैट द फीटस इज डेड. मतलब मिस कर दिया पेशेंट को नहीं पता कि फीटस डेड है. ठीक है, देन सिम्टम्स क्या क्या होंगे इसमें, पेन, एमिनोरिया, ब्लीडिंग. ब्लीडिंग में क्या होगा, ब्राउनिश डिस्चार्ज. ओके, और इसमें नो हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर नहीं आएंगे. ठीक है, एंड इफ यू डू द पर एब्डोमिन एग्जामिनेशन तो इसमें हमें क्या दिखेगा, हिस्ट्री ऑफ हाइट ऑफ द यूट्रस इज लेस देन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. क्योंकि बेबी जो है वो ऑलरेडी डेड है, मैसरेट हो चुका होगा, तो फिर क्या है जो हाइट है वो कम हो जाएगी. क्योंकि मान लो बेबी जो है वो 17 वीक्स में चला गया. ठीक है, बेबी इज डेड एट 17 वीक्स, बट मदर को कब पता चल रहा है, 19 वीक्स में पता चल रहा है. इसलिए जो है हाइट जो है वो कम होगी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19 वीक्स की प्रेगनेंसी है, बट बेबी ऑलरेडी डेड हो गए इन 17 वीक्स. तो दैट्स व्हाई जो हाइट है वो कम होगी. इंटरनल लॉस क्लोज होगी. एंड यूएसजी में हमें क्या दिखेगा, डेड मैसरेटेड फीटस. क्योंकि जो हमारा फीटस है वो ऑलरेडी डेड था काफ़ी टाइम से, तो तभी इसको हम मिस्ड बोलते हैं. तो बेबी कैसा होगा, डेड मैसरेटेड फीटस. मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इफ लेस देन 12 वीक्स है तो मेसोप्रोस्टोल 800 mg पर वेजाइनल देंगे एंड रिपीट करेंगे इफ नीडेड आफ्टर 24 आवर्स. ओके, अगर मोर देन 12 वीक्स है तो हम क्या करेंगे, सक्शन एंड इवैक्यूएशन कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन. इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट नॉट कम्प्लीटेड, एज नेम सजेस्टेड इनकम्प्लीट. प्रोसेस स्टार्ट हुआ है बट कम्प्लीट नहीं हुआ है. इसमें सिम्टम्स क्या है, पेन, एमिनोरिया, हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट प्लस और मे बी सिम्टम्स ऑफ शॉक. ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट है कि मतलब स्टार्ट हो चुका है बट कम्प्लीट नहीं हुआ, डेट्स वाई कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ चुका है प्लस कुछ बाकी है. तो इसमें भी जो हाइट ऑफ यूट्रस है वो कम होगी एज पर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. बिकॉज जो हमारा हाफ फीटस है वो बाहर आ चुका है, डेट्स वाई हाइट ऑफ यूट्रस इज लेस. देन इंटरनल लॉस, हिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आने की, डेट्स वाई इंटरनल लॉस क्या होगी, ओपन होगी एंड कैन सी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कमिंग आउट फ्रॉम इट. ओके, देन यूएसजी में हमें क्या दिखेगा, इनकम्प्लीट फीटस, क्योंकि ऑलरेडी आधा हमारा जो है बाहर आ चुका है. ठीक है, देन इसमें हमारा मैनेजमेंट क्या होगा, इवैक्यूएशन ऑफ रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन और डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, डीएनसी कर सकते हैं और प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स हम देंगे. क्लियर, नेक्स्ट इज कंप्लीट अबॉर्शन. कंप्लीट अबॉर्शन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन स्टार्ट्स कमिंग आउट. ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर आना शुरू हुआ आउट ऑफ वजाइना, एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर आ जाएगा ऑफ इट्स ओन. ठीक है, फॉलोड बाय स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, कि जो अबॉर्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ देन फिनिश भी हो गया. ठीक है, फिनिश हो गया ये, देन हमारा ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, कम्प्लीटली वो अबॉर्शन हो चुका है. ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, पेन, एमिनोरिया, ब्लीडिंग, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कम आउट देन ब्लीडिंग स्टॉप. ठीक है, हाइट ऑफ यूट्रस क्या होगा, स्मॉल होगी देन द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे फीटस या फिर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो ऑलरेडी बाहर आ चुका है ना. और इंटरनल लॉस क्लोज की होगी, वाई इट इज क्लोज, क्योंकि जो हमारा ऑलरेडी सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो बाहर आ चुका है. उसके बाद उस टाइम पे मे बी इंटरनल लॉस ओपन होगी, लेकिन बाद में वो क्लोज हो चुकी होगी. ओके, और यूएसजी में हमें क्या दिखेगा, एम्प्टी यूट्रस, बिकॉज सारा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो बाहर आ गया. ओके, नेक्स्ट इज सेप्टिक अबॉर्शन. सेप्टिक अबॉर्शन क्या होता है, सेप्टिक अबॉर्शन कैन बी एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन इफ पेशेंट इज हैविंग फॉलोइंग सिम्टम्स. कौन सा, फीवर मोर देन 100.4,
पेन इन लोअर एब्डोमेन, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, ओके, मे बी सेप्टिक शॉक, विद सेप्टिक शॉक, तो उसको हम बोल देते हैं सेप्टिक अबॉर्शन. तो इसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे एंड एंटीबायोटिक्स देंगे. आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, अबॉर्शन वाले टॉपिक. तो इसमें हमने पढ़ा व्हाट इज अबॉर्शन, एनी प्रेगनेंसी लॉस बिफोर 20 वीक्स और डेथ ऑफ द फीटस इफ वेट इज लेस देन 500 ग्राम्स, ओके. सो हमने थ्रेटन में क्या होता है, प्रोसेस इज नॉट कम्प्लीट, इट कैन बी रिवर्स्ड. इनएविटेबल में द प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड. इन मिस्ड अबॉर्शन when the patient is unaware that the fetus is dead. Incomplete means the process of abortion is started but not completed, okay. Then incomplete, the process of abortion has been completed. And in septic abortion, any type of abortion with the following symptoms of septic shock, okay. So itna abhi humne padh liya, abortion ka clear ho gaya. Abortion hum kaise detect karenge, theek hai. Agar abortion nahi aapko laga, theek hai, bleeding still present hai, अगर पेशेंट कंप्लेन करता है एक्सेसिव वॉमिटिंग का, PIH का, हाइपरथायरॉयडिज्म, बायलेटरल थीका ल्यूटियम सिस्टेनोवी, तो वो क्या है, मोलर प्रेगनेंसी, ओके. और अगर पेशेंट कंप्लेन करता है एब्डोमिनल पेन का, एमिनोरिया का, ब्लीडिंग पर्वेजन, तो वो क्या है, अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. अगर पेशेंट कंप्लेन करता है एब्डोमिनल पेन, एमिनोरिया, ब्लीडिंग पर्वेजन प्लस शॉक, एंड सो इट कैन बी रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो इनके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनरप्चर्ड एंड द रप्चर्ड.